1915 मकबूल फिदा हुसैन का जन्म पंडरपुर महाराष्ट्र। 1921 से 37 उर्दू में शिक्षा, उर्दू शायरी में रुचि, चित्रकला की ओर खिंचाव। 1932 इंदौर के सालाना आर्ट शो में गोल्ड मेडल और फिर इंदौर आर्ट कॉलेज में शिक्षा। 1935 जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में दाखिला, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण हुसैन को वापस अपने पिता के पास आना पड़ा। 1937 घर छोड़ हुसैन पहुंचे मुंबई, बिना पैसे, बिना जान पहचान। 1937 से 47 गरीबी से संघर्ष और फिल्मी पोस्टर पेंट करने के बाद बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में पुरस्कृत। 1948 सूजा और रजा के साथ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में शामिल। 1950 मुंबई में पहला एग्जीबिशन। 1951 से 53 चीन और यूरोप की यात्राएं। 1955 पद्मश्री। 1956 से 71 देश विदेश में प्रदर्शित कई प्रदर्शनियों में पुरस्कृत। हुसैन की मनाई डॉक्यूमेंट्री थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर भी पुरस्कृत। 1973 पद्म भूषण। 1986 हुसैन राज्यसभा में। 1988 कालिदास पुरस्कार। 1989 पद्म विभूषण। 1995 माधुरी दीक्षित श्रृंखला की शुरुआत। 1997 हुसैन ने पंढरपुर का एक लड़का नाम की फिल्म लॉन्च की। मकबूल फिदा हुसैन के जीवन की कहानी भारत में कंटेम्प्रेरी आर्ट या आधुनिक चित्रकला की भी कहानी है। 50 साल पहले जब हुसैन साहब ने चित्रकला की दुनिया में अपने पहले कदम रखे, भारतीय आर्टिस्ट को महसूस होने लगा था कि उन्हें अपनी एक नई आधुनिक जबान पैदा करने की ज़रूरत है। इससे शुरू हुआ प्रोग्रेसिव या तरक्की पसंद आर्टिस्ट का आंदोलन, जिसने हिंदुस्तान में मॉडर्न आर्ट को जन्म दिया। आज MF हुसैन भारत के सबसे मशहूर आर्टिस्ट हैं। इनकी एक पेंटिंग 25-30 लाख की बिकती है और अब दुनिया भी मानती है कि भारतीय मॉडर्न आर्ट की एक खास जगह बन गई है। लेकिन आइए देखें ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। बिल्कुल बचपन में मेरे वालिद कहा करते थे कि पाँच छः साल से मैं किताबों में स्क्रिबलिंग करते रहता था। जहाँ भी कुछ इमेज दिखे तो या तो उसकी मूछ बना दी, दाढ़ी बना दी, ये करता रहता था। फिर अपने अलग बहुत से ड्राइंग, तो दिन रात वही रहता था। हालांकि ना घर में कोई आर्टिस्ट था, कोई फैमिली में कोई नहीं था ऐसा। मेरे वालिद तो खाली एक अकाउंटेंट थे एक टेक्सटाइल मिल में। फिर लेकिन बस एक जुनून जैसा था जो मुझे भी पता नहीं कि क्यों। आगे जाके ये होता कि जब मैं 8th और 9th में पहुँचता हूँ, तो जमा 10th में मेट्रिकुलेशन होता, तो उस वक्त मैंने उनसे अपने अब्बा से कहा कि देखो मैं ये मेट्रिकुलेशन वगैरह ये सारा मैथमेटिक्स और अलजेब्रा और ये सब इसमें कोई मुझे दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ पेंटिंग करना चाहता हूँ और उसके अंदर मैं अपनी दिन रात लगा दूँगा, ये नहीं करना चाहता। और सारे खिलाफ थे मोहल्ले के, मेरे चचा वगैरह वो, इफ़ यू कम टू थिंक ऑफ इट एट दैट टाइम यू नो, मेरे वाले ने कहा कि छोड़ दो। हुसैन साहब के पिता ने उस जमाने के दकियानूसी रीति रिवाज को तोड़कर अपने बेटे की मदद की जहां तक कर सकते थे, लेकिन उनकी नौकरी जाने के बाद हुसैन ने फैसला कर लिया कि चित्रकला को अगर जीवन बनाना हो तो इंदौर छोड़कर बॉम्बे आना पड़ेगा। बॉम्बे में वो एक ही आदमी को जानते थे। इंदौर का एक शबाब नाम का सिनेमा के होर्डिंग बनाता था, तो मेरा एक वो लिंक थी उसको मैं इंदौर के थे तो पहले सीधा उनके पास गया, ट्रेन से उतर के सीधा उनके पास गया कि भाई मैं आया हूँ ये करना चाहता। तो वो यही कह रहे थे भाई ये मॉडर्न आर्ट जो तुम ये जो करते हो ये नहीं चलेगा। उस वक्त तो मॉडर्न आर्ट क्या, मैं उस वक्त इंप्रेशन जैसे काम करता था, रियलिज्म था लेकिन नॉट रॉयल एकेडमी का रियलिज्म, नॉट फोटोग्राफिक रियलिज्म। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं ये अभी तुम वो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े फेसेस इतने उनकी शक्ल मिलना चाहिए ये सब। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या आप रंग लगाइए बैकड्रॉप ये और ब्रश वगैरह साफ कीजिए। तो उन्होंने 6 आने रोज पर मुझे वहाँ रखा और जगह तो थी नहीं, तो वही वो अभी तक वो जगह है, तो उसके सामने वो फुटपाथ था, वहाँ सोता था। और लेकिन बिल्कुल मस्त है,
सात साल हुसैन ने बॉम्बे के इस फुटपाथ पे गुजारे। फिर 1941 में वो पास में बदरबाग मोहल्ले की एक बेवा से मिले। उनका नाम था महमूद अली, क्योंकि उन्होंने मुझे एक माँ का सबसे पहला एक एहसास दिलवाया। तो मैंने कहा कि ये वहाँ खाने के लिए दोपहर शाम का खाना देने, तो वो इधर उधर खाया करता था। उससे वो मैंने कहा मैं इनकी बेटी से शादी करूँ। हालांकि उससे पहले उनको मिला नहीं था, वो एक ही कमरे में थे, बालकनी में रहते थे, पर्दा करते थे। वो हालांकि लोगों ने सबने मना किया हमारी, तुम इसको कहाँ दे रहे हो, इसका ना घर है ना कुछ, लड़की को दे रहे हो ना उसके पास पैसे हैं। लेकिन वो भी अड़ गई थी कि मैं लड़की दूंगी, उसके मकबूल की दूंगी। बदरबाग में हुसैन 11 साल रहे और अब भी मानते हैं कि इस शहर में यही जगह उनका असली घर है। वो अक्सर यहाँ लौटते हैं पुरानी यादें ताज़ा करने, अपनी बीती हुई जिंदगी से प्रेरणा लेने। शादी के बाद उन्होंने नौकरी करने की ज़रूरत महसूस की और कुछ सालों तक वो पेंटिंग को छोड़कर बच्चों के फर्नीचर पर तस्वीरें बनाने में लग गए। 47 में हिंदुस्तान की आज़ादी हुई, मेरे दिमाग में भी एक बात गई। उस वक्त मैं अच्छा खासा सक्सेसफुल फर्नीचर डिज़ाइनर हो गया था। तमाम ये बड़े बड़े फर्नीचर भी करता था यहाँ के कामदार। उस वक्त मेरी तनख्वाह 350, यहाँ तक कि यहाँ के लीडिंग फर्नीचर वाले थे कामदार, उन्होंने 700 रुपीज़ की मुझे ऑफर भी दी थी। क्योंकि फिर मैंने उसके अंदर भी इंडियननेस शुरू की, फिर कि इंडियन क्या है, तो सारे इंडियन फोकलोर ये लेके पूरा फर्नीचर वैसे बनाता था। 47 में आके अब है नाउ मस्कुट। हालांकि दो बच्चे हो गए थे, बैंक बैलेंस कुछ नहीं था, लेकिन मैंने बीवी से कहा कि देखो ये है मेरी ज़िंदगी, सिर्फ वही है, अब मैं घर में ही नहीं रहूँगा, मुझे बस अब नामस सर्च के बराबर बॉन्डर रहना, सिर्फ पेंटिंग करना है। और कभी और उसमें ये भी नहीं कि मेरे कोई एग्जीबिशन कोई सक्सेसफुल हुआ था, यानी एग्जीबिट ही नहीं किया था तो क्या पता। लेकिन वो छोड़ के देन आई डिड 4-5 पेंटिंग किए थे मैंने, पूरी इंप्रेशन जैसे वो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में एग्जीबिट हुआ था, वहाँ ये सूजा ने मेरी पेंटिंग देखे, बोले ये आर्टिस्ट कौन है। प्रोग्रेसिव ग्रुप बना 46 में, और मुझे नहीं मालूम था उसमें सिर्फ 3 फाउंडर मेंबर्स थे, रजा, सूजा और आरा। अच्छा, और ये बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की उन्होंने? वो इसीलिए कि वो ये जो डोमिनेशन है बड़े या क्या बोलते हैं रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट का, तमाम हमारे कॉलेजेस ये सब दे वर हेडेड बाय यूरोपियंस उस टाइम, ये ब्रिटिशर्स। और दूसरी जो रिवाइवलिस्ट है वो सारा बंगाल स्कूल, जो इन दोनों के खिलाफ इन्होंने कहा कि वी मस्ट डिमोलिश दिस थिंग, क्योंकि ये हमारी वो नहीं है, नाउ वी मस्ट इवॉल्व ए लैंग्वेज ऑफ आवर ओन। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने भारतीय चित्रकला की जिस नई भाषा को पैदा करने की कोशिश की उसको सुनने के लिए बहुत कम भारतीय उस वक्त तैयार थे। बॉम्बे की चित्रकला की दुनिया में जो अमीर लोग पेंटिंग्स के खरीदार थे उनको पुरानी किस्म की पेंटिंग्स ही पसंद थीं। चंद विदेशी ही थे जो इस नई जबान के अल्फाज समझ सके। एक था स्लेजिंगर, हु वाज अ फार्मासिस्ट। ये बैकबोन थे इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट के। हालांकि हिस्ट्री ज़रा वो कहते हैं फॉरेनर्स थे वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन दे प्लेड ए वेरी मेजर रोल। तो और तो वो ही वॉज अ बिग कलेक्टर इन जर्मनी। उसके बाद कुछ 1700 पेंटिंग्स थी ऑल दोज जर्मन कंटेम्प्रेरी आर्ट्स के, तो वो सब दे वर ऑल लॉस्ट। तो वो यहाँ आ गए थे रूडी फॉन लाइडन, जो कि आर्ट क्रिटिक थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, और एक लैंगहैमर थे जो आर्ट डायरेक्टर थे टाइम। तो ये तीनों ने बहुत वो किया। और जो और ये दे यूज्ड टू बाय द पेंटिंग स्पेशली ये सेशन, पर इंडियंस बिल्कुल नहीं खरीदते थे, एक नहीं खरीदता था सिवाय इसकी, क्या सिवाय डॉक्टर होमी भाभा की। नहीं, पर उस वक्त जब आपने पहले एग्जीबिशन किया था उस वक्त कोई इंडियन नहीं, एक इंडियन नहीं था। क्यों, कुछ माहौल नहीं, वही इसलिए कि ये सारा बहुत जोर था ना इन लोगों का, डॉक्टर मोती चंद्रा वगैरह ये सब ये यहाँ की एलिट जो थे वो, इवन ये जो कावजी जहांगीर जिसके नाम पर ये बनी, ही वाज टोटली अगेंस्ट मॉडर्न आर्ट। तो आप कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट जो आपने शुरू किया करना वो खुद ब खुद हो गया कि किसी के असर से हुआ? नहीं, खुद ब खुद नहीं हुआ उसका। ये जो ये हुआ कि आप उसके भी एक वो है कि जब भी मैं प्रोग्रेसिव आर्ट उस वक्त तक तो मैं यही इम्प्रेशनिस्ट जैसा करता था, तो इनके सूजा के साथ हम मैं और सूजा वहाँ गए दिल्ली पहली दफ़ा। वहाँ पर एक शो हो रहा था ये इसमें राजभवन में,
जो बर्लिंगटन म्यूजियम वहाँ गया था, उसमें द फाइनेस्ट कलेक्शन ऑफ इंडियन स्कल्पचर, इंडियन मिनिएचर, ये सब अपने इंडियन म्यूजियम से वहाँ थे। वो इंग्लैंड गए थे, वहाँ से आके वो यहाँ अशोक लीला थे, वो देखने गए, वहाँ मेरी आंखें खुली। हुसैन साहब मानते हैं कि हमारे देश में आज भी मॉडर्न आर्ट की कम समझ, कम कदर इसलिए है कि हम अपने बच्चों को वही शिक्षा दे रहे हैं जो अंग्रेजों ने शुरू की थी हिंदुस्तान को एक बाबुओं का देश बनाने के लिए। अभी भी जैसे कहते हैं कि ये सिटीज में और सो कॉल्ड वेस्टर्न ओरिएंटेड एजुकेटेड पीपल हैं, उनके लेंसेज ब्लंट हो गए, लेकिन आप 80% ऑफ पॉपुलेशन जो विलेजेस में जाइए, जो फोक आर्ट है, द ट्राइबल आर्ट है, विच इज ए लिविंग आर्ट फॉर्म, तो वहाँ ये हालत है ना कि आप पत्थर के ऊपर एक टुकड़े पीस ऑफ स्टोन उसमें सिर्फ ऑरेंज लगा दीजिए, वो कहेंगे ये हनुमान है, तो इतना उनका कलर का वो है। तो यहाँ ये चीज़ यहाँ अगर शहर में बताता हूँ तो मेरा दिमाग चढ़ जाता है, मुझे उनसे बात करने का जी नहीं चाहता, बिल्कुल जाहिल हैं एस्थेटिकली। अब क्या हो गया है, इसलिए कि ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है। अब जो बता रहा हूँ ना कि एम एफ हुसैन इज ए ब्रांड, तो लोग वो खरीद रहे हैं। इसलिए उनको उनकी जब दीवार पे लगती है कि हाँ साहब हमारे यहाँ गायतोंडे है, हमारे राम कुमार है, हमारे एम एफ हुसैन है, दैट इज़ द स्टेटस। 99% ऐसे। आपके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि आपने ही ब्रांड नेम बनाया। मैंने नहीं बनाया, इन लोगों ने, इन्होंने क्या कीमत की बताइए, 20 साल तक की जो उसके 1950 से ये जो आज 40 साल जो काम कर रहे हैं, क्या गिमिक थी सब? अगर गिमिक होती तो कहीं तो पकड़े जाते कि ये सब वो है, अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, सब अपनी ढोल बजा रहे हैं। ये कहते हैं कि आपने उसी किस्म की पेंटिंग्स बनाई जो अमीर लोग खरीद सकें या जिनको स्टेटस अच्छी लगे। हाँ, तो अब मुश्किल ये है ना कि कोई बस ये बातें उड़ाते हैं ना, जरा किताबें देखिए। अब ये तो लोगों को शौक है इसका कहने का, वो हर 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 प्रोफेशन में हर जगह हमेशा होता है। जहाँ हुसैन साहब को बेहद प्यार और कदर मिली है, वहाँ उनके क्रिटिक्स भी काफी हैं, जिनका कहना है कि हुसैन आर्टिस्ट कम और तमाशाई ज्यादा हैं। हुसैन साहब, बहुत लोग कहते हैं कि आप जूते इसलिए नहीं पहनते क्योंकि एक गिमिक है, ये भी एक आपका गिमिक है। ऐसा नहीं कि मैं भी तो कोई चैन से बैठता नहीं हूँ, चुपचाप कुछ ना कुछ छेड़ते रहता हूँ, ये किया वो किया, तो वो उनको ऐसा लगता है कि क्या हरकतें कर रहे हैं, क्यों चंद चीज़ें फिर ज़्यादा लेट बाद में समझ में आती हैं, तो वो समझती है गिमिक है, खैर समझें, मगर ये जो पैर का हिस्सा है, ये तो इसके लिए इसके कई कई रीज़न है। एक तो हेल्थ का सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक्यूप्रेशर मिलता है तमाम, फिर अलग अलग टेक्स्चर्स जो हैं, और इसी वजह मुझे अब इतनी उम्र होने के बाद में कभी मुझे यहाँ पैर में कभी दर्द ही नहीं होता। पिछले साल उनकी सरस्वती की बनाई गई तस्वीर से कई हिंदू संस्थाओं में इतना गुस्सा पैदा हुआ कि उनकी तस्वीरें जलाई गईं और उनका कई महीनों तक लंदन से देश वापस आना मुश्किल हो गया था। इस पे वो क्या कहते हैं? वो तो 20 साल पहले बनाई हुई है, वो ये थोड़ी के, और ये सरस्वती, लक्ष्मी, ये तमाम ये चीज़ें मैंने नहीं, तमाम और दूसरे इंडियन आर्टिस्ट ने बहुत सी किए हैं और किताबों में हैं। अब ये वो कुछ पॉलिटिकल रीज़न के उसके वजह से हुई, लेकिन ये मामला बहुत ही एक हमारे इंडियन कंट्री हिस्ट्री के अंदर इज ए वेरी माइनर इंसिडेंट, तो ये तो ऐसा कुछ वो नहीं है। अब भाई हर एक को ये ज़रूरी थोड़ी कि हर शख्स डेमोक्रेसी है, उनको नहीं पसंद आई, उनको सर ऑब्जेक्शन है, तो उसका जो वो था, तो अगर उनकी फीलिंग हर्ट हुई है तो मैंने पब्लिकली वहाँ पर ये भी कहा कि आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी फॉर द कैसा हुआ, तो ये थोड़ी कि मैं कोई बैठ गया हूँ, ये मेरी नीयत है कि मैं किसी के मज़हब को या किसी के उसको ब्लाइंड करूँ, वो नीयत कभी रही नहीं। ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं, समझे, उनसे मुझे सख्त मोहब्बत है, मुझे सख्त लगाव है, अगर नहीं होता तो बहुत आसान था यहाँ से बिछड़ के वो कर देना, जो कुछ भी कर सकता था, बहुत कुछ मैं कह सकता था, सारा यूरोप में उसको वहीं था, उससे पहले चला गया था, सारा मीडिया मेरे पीछे था, BBC कहिए, न्यूयॉर्क टाइम्स कहिए, बहुत कुछ वो बैठे थे कि मैं ये अपने मुल्क को मलाइन करने के लिए, अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए कहूँ, लेकिन वो मेरी नीयत थी नहीं। पर आपको बुरा नहीं लगा कि तस्वीरें जलाई गई? नहीं, कोई बुरा नहीं लगा, वो तो अच्छा, वो तो बल्कि मैं समझता हूँ कि वो एक अग्नि परीक्षा हो गई। हर आर्टिस्ट अपनी प्रेरणा किसी खास चीज से लेता है और हुसैन साहब की प्रेरणा है औरत और औरत का रूप। जो फीमेल
वो है द इमेज ऑफ द वुमन, और वो एक एक ज़बरदस्त क्रिएशन है इस कॉस्मॉस में। तो उससे अब ये ज़रूरी थोड़ी है, जैसे वो एक जो कहा जाता है ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक एक देयर इज़ अ वुमन बिहाइंड, तो मैं वहाँ कहता हूँ कि हर सक्सेसफुल पेंटिंग के पीछे देयर इज़ अ वुमन। इस प्रेरणा को समझने और अपनी पेंटिंग्स में समझाने के लिए उनका सफर शुरू हुआ मदर टेरेसा से, जिन पे उन्होंने 15 साल तक काम किया, और अब आकर रुका है माधुरी दीक्षित और पश्चिम की मशहूर गायिका मैडोना पे। जब माधुरी आई उसके अंदर, वहाँ जब मैंने जो उसको देखा उस हम आपके हैं कौन के अंदर, कि एक 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 इंडियन वुमनहुड का जो एक होना चाहिए सेंस उसके अंदर, उसकी इवन द बॉडी लैंग्वेज वो इतना इंटेंस है, क्योंकि हो सकता है कि इंडियन बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री ने वो सब चीज़ें नहीं उसको एक्सप्लोर नहीं की हैं, क्योंकि वहाँ एक जो उनका फार्मूला है वो झटके और ये और डांस वो यूज़ करते रहे, लेकिन उसके अंदर भी शी नेवर बिकम वल्गर, वो स्ट्रॉन्ग इफ यू बिकम सेंसुअल। ये आपको खास हम आपके हैं कौन में दिखे? ये हम आपके कौन में कितनी दफ़ा देखी आपने पिक्चर? मैंने कोई ऑलमोस्ट 66 टाइम देखी। अब मैं अच्छा वो पिक्चर भी देखता था, अब देखने का मकसद और है, मैं कुछ जाके वो इट्स नॉट दैट वॉज ए ग्रेट ग्रेट मूवी नहीं है वो, लेकिन उसके अंदर जो माधुरी का जो वहाँ उसका जो प्रेजेंस है उसके सारे बॉडी मूवमेंट है वो साथ, क्या मैं अगर मैं 100 मरतबा 200 मरतबा देखूँ तो भी नहीं कम्प्लीट होता, क्योंकि इसके अंदर इतने सर्टन नॉन्सेंस हैं। इवन टू लिफ्ट है वो जब वो जो एक दिया उठाती है, अब वो उठाने का अंदाज समझिए, उसके टाइमिंग्स, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं। उसके बाद फिर देन आई केम अक्रॉस दिस मैडोना, जो अभी जो एबिटर में दिसंबर में लंदन में था, व्हेन आई सॉ दैट, और उनकी पहली फिल्में भी देख चुका हूँ, लेकिन वो ज़्यादातर मटेरियल गर्ल के तौर पे थी, लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया टू बिकम रियली से, तो इसमें एबिटा के अंदर एबिटा तो कुछ भी नहीं है, इस ओनली मैडोना, उन्होंने कमाल किया। तो वो क्या है, वो द वेस्टर्न इमेज ऑफ मैडोना, तो मैंने ये दोनों का फिर रखा, उन दोनों के बीच में फिर मैंने कहा ये मदर का जो है वो तो रहने, तो ये तीन जो इमेजेस हैं, तीन आइकन्स हैं ऑफ वुमन। हुसैन साहब 82 साल के हैं, लेकिन कई नौजवानों से ज्यादा जिंदा दिल वो अब भी हैं। जिस उम्र में आम इंसान रिटायर होकर आराम की सांस भरता है, वो एक नए मीडियम में कदम रखने का सोच रहे हैं। वो मानते हैं कि 21वीं सदी का सबसे मुकम्मल आर्ट फॉर्म सिनेमा है, और एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है गजगामिनी। द वुमनहुड, जो द इंडियन वुमनहुड, जिसको मैं गजगामिनी कह रहा हूँ, विच इज़ अ मेटाफर ऑफ अवर वुमनहुड, और वो जो किस तरह से अब डिफाई कर रही है और अपने उस पर जा रही है, तो उसके लिए मैंने उसका एक सारी स्क्रिप्ट और सब तैयार होगी, बहुत जल्द शूटिंग शुरू होगा। क्या वो फीचर फिल्म बनेगी? पूरी फीचर फिल्म, लेकिन हाईली एक्सपेरिमेंटल, ये वैसे पॉपुलर नहीं, उसका बेस म्यूजिक है, वो म्यूजिकल होगी पूरी। तो ये जो सिनेमा से अब इतना लगाव हो रहा है और आप फिल्म भी बना रहे हैं, तो ये क्या माधुरी फेज की वजह से हुआ है? हाँ, आई थिंक उन्हीं की वजह से हुआ। ये पेंटिंग का अपनी जगह, ये नहीं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट, इट इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर्म ऑफ आर्ट, लेकिन इट्स नॉट कम्प्लीट, जैसे एक क्योंकि उसके अंदर ये चीज़, अब इसके अंदर यू हैव टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मोमेंट, और इसमें साउंड कहाँ है? Isn't that art, the illusion? Yeah. Illusion भी आर्ट है, लेकिन अब सिनेमा भी इज द ग्रेटेस्ट सोल्यूशन, इन सब सारी रियलिटी को जमा करके देन इज जस्ट सेलुलॉइड के ऊपर है, इज जस्ट एक वो परछाई। ठीक ही कहा जाता है कि जिस चीज़ की कीमत नहीं होती उसकी कदर भी नहीं होती है, और अगर आज भारतीय आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स लाखों रुपयों में बेच सकते हैं तो उन्हें हुसैन को शुक्रिया अदा करनी चाहिए। 5 साल पहले उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के दाम बढ़ाएंगे चाहे बिके या नहीं। ये जो लफ्ज मार्केट है, लोग क्यों उससे खामखा कतराते हैं, वो समझते हैं ये बड़ा एक ऐसा बड़ी बुरी चीज़ है, क्यों नहीं? क्योंकि जब आप चीज़ कुछ करते हैं कुछ अच्छी है तो कोई ले, उसकी कीमत होनी चाहिए। जब ये क्रिस्टीज और ये सादवीज आए, उस वक्त पेंटिंग की प्राइसेस कोई 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 तक थी। मदर टेरेसा का पेंटिंग था, मैं कि ये इसकी मिनिमम प्राइस
आपको 4 लाख होनी चाहिए। हालांकि उस 4 लाख बहुत बड़ी बात थी, तो सबने सारे दोस्तों ने हमारे कहा कि ये ठीक नहीं है, ये कमर्शियल मैंने क्या कमर्शियल बात कर रहे हो। और जब ये एक मौका आया है वो कीजिए, तो अब ये हो सकता था कि मिस फायर वो हो जाए, कि अगर वो नहीं आया तो और बदनामी हो कि देखिए बड़े चले थे। तो मैंने कहा अगर रिस्क नहीं लेंगे तो होगा कैसे, तो मैंने कहा मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, मैं लेता हूँ, दूसरों ने नहीं किया। मैंने कहा जाइए 4 लाख होना चाहिए उससे कोई, और वो पेंडिंग 5 में गया। तो वो एक एकदम वो एक वो मच गए सारे हेडलाइन सारे की 5 लाख का पेंटिंग। अब वो चली फिर 1.5 साल के बाद ही फिर वो आए कि ये सदवीज आए, वो पेंटिंग जब वहाँ यहाँ जो कर रहे थे बॉम्बे के अंदर, तो उस वक्त में मैंने कहा अब ये होना चाहिए कि अब जो 5 हुए हैं तो मैंने कहा पेंटिंग 6 से शुरू होनी चाहिए। वो पेंटिंग वो 6 से चला, 7वां 8वां 9 10 में गया, तो वो तो फिर सारी वो मुझे याद है कि एक बहुत ही वेल नोन एडिटर जो आर्ट के ऊपर लिखते करते थे, वो शुरू में जब एक सूजा की पेंटिंग 1964 में वो 10,000 रुपये में गई थी, तो वो उस वक्त कहा था कि ये आर्ट नहीं है, अगर ये पेंटिंग तो अगर इतनी प्राइस हो तो दैट्स नॉट आर्ट, इट इज़ कॉमर्स। लेकिन उसी एडिटर ने जब ये 10 लाख की पेंटिंग गई है तो एडिटोरियल उन्होंने लिखा है, उसका वही हेडलाइन ये है कि नाउ द इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट हैज कम ऑफ एज। हुसैन के दिन अलग होते हैं, रोज कोई नई चीज नया अंदाज। वो पेंटिंग भी रोज नहीं करते, ना पक्का तय होता है कि वो कब और कहां बैठ के खाएंगे। खाने का शौक जरूर है और बिरयानी कबाब बहुत पसंद करते हैं। दोपहर के खाने के बाद हुसैन साहब को दिल्ली जाना था, जहां उनके नए एग्जीबिशन का उद्घाटन था। एग्जीबिशन का नाम है मदर, माधुरी और मैडोना। पेंटिंग के अलावा शायरी का बहुत शौक है और संगीत का भी, क्लासिकल से लेकर फिल्मी गीत तक। और उनकी जिंदा दिली का राज इश्क। इश्क में मरना नहीं है, इश्क में जीना है। और वो है जो जिगर ने जो कहा था कि एक आग का दरिया है, डूब के जाना, ये उसको आग के दरिया में डूब के भी जाना है, मतलब ये नहीं कि वहाँ जल के भस्म हो जाना है। तो ये इश्क है क्या, वो जो कृष्णा का और ये सारा जो वो जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ यूनिवर्सल। तो एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना। वो है